बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, उन सभी स्टूडेंट का 10th और 12th दोनों स्टूडेंट का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोग को अपलोड कर दिया गया है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके डेमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि रह गई थी और त्रुटि को सुधार करने के लिए दिए गए थे, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया। तो आखिर सभी स्टूडेंट को ये देखना किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे सभी स्टूडेंट के लिए, और देख लीजिए क्या आपका भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि था तो उसका सुधार हुआ है या आया है फाइनल डमी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड की नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं अब तक लर्न में सब्सक्राइब दिख रहा है तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से हर छोटी बड़ी न्यूज इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप लोग को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर या गूगल में आ जाना है, और यहाँ पर आप लोग को सिंपल से सर्च वाले पर क्लिक कर सर्च करना है बिहार बोर्ड ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप लोग को सर्च कर लेना है बिहार बोर्ड ऑनलाइन, बिहार बोर्ड डॉट ऑनलाइन आप लोग सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियली वेबसाइट रहेगा। साथ ही साथ आप लोग को सिंपल से थ्री डॉट वाले पर आप लोग को यहां पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड पर आप लोग को सिंपल से आप लोग को क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो इस पर आप लोग को क्लिक करिएगा तो फिर से एक नया पेज ओपन होकर आएगा और वहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि एग्जाम ईयर दिया गया है 2021 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पर आप लोग को रजिस्ट्रेशन कार्ड को दिखा दिया जाएगा। तो इस पर आप लोग को प्रिंट वाले व्यू प्रिंट वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो पूरी तरह से आप लोग को यहाँ पर स्कूल कोड मांगेगा और साथ ही साथ कैंडिडेट का नाम मांगेगा और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। बारी बारी से सभी को फिलअप कर लेता हूँ जितना भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो बारी बारी जितने भी आप लोग को यहाँ पर मांगा जा रहा है इसमें आप लोग को स्कूल कोड जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ वह फिलअप कर लेना, और साथ ही साथ जो आपका नाम है कैंडिडेट इसमें फिलअप कर देना है, और आप लोग को डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर क्लिक कर देना है। सही से आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो मांगा जा रहा है क्लियर रूप से आप दीजिएगा, और साथ ही साथ सर्च वाले बटन पर क्लिक करिएगा। तो सर्च वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो फिर से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं इस स्टूडेंट का ओपन होकर आ गया है। नाम इनका गौतम कुमार है, साथ ही साथ पिता का नाम रंजीत कुमार है, और साथ ही साथ सविता देवी है मदर्स नेम, और स्कूल कोड आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर आप लोग को लिस्ट ओपन होकर आ जाएगा। और इसमें आप लोग को जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड किया गया था उसमें आप लोग को सभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप लोग को नहीं शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पंजीयन संख्या आप लोग को दे दिया गया है, और अच्छी ढंग से मिला लीजिए कहीं पर किसी प्रकार की तो दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत रहती है तो आप लोग स्कूल जिस सुधार किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी रूप से दिया गया है, अनिवार्य भाषा विषय में हिंदी है, द्वितीय भाषा में संस्कृत है, और अनिवार्य विषय में आप देख सकते हैं मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश है, और इस तरह से ऐच्छिक में इनका कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप भी अपने मोबाइल में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसको आप लोग डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो सिंपल से आप लोग को प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो फिर से एक पेज ओपन होकर आएगा, और वहाँ पर आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को सेव एज आप लोग को पीडीएफ देखने को मिलता है। तो सिंपल से अगर आप लोग मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ को तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से एक नया पेज ओपन होकर आएगा और कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और आप लोग को सिंपल से सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही सेव वाले बटन पर क्लिक करिएगा आपका मोबाइल में जीबी पेन ड्राइव में आप लोग को चला जाएगा, फाइल मैनेजर में आप लोग को चला जाएगा जो डाउनलोड किए हैं वो पीडीएफ। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मिला सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो दिया गया है वो सही है या गलत है। अगर गलत रहता है तो आप लोग जाकर स्कूल से सुधार कर सकते हैं, और अन्यथा आप लोग को सही है तो अच्छी बात है, इस पर आप लोग को डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आप लोग को साइन और मोहर प्रिंसिपल से आप लोग को यहाँ पर लगवा लेना है, या आप लोग स्कूल में जाइएगा जहाँ पर आपको एडमिशन है तो वहाँ पर डाउनलोड करके आपको पूरी तरह से साइन मोहर करके देखने को मिलेगा। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड सभी स्टूडेंट का आ गया 10th और 12th दोनों को, तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट 10th और 12th के स्टूडेंट का कुछ भी तैयारी अब तक नहीं हुआ तो इस चैनल पर बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूँ सभी स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी, जहाँ से पिछले साल अधिक बच्चे यहाँ से पास किए थे। तो आप भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये 10th वाले स्टूडेंट का था आप लोग को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और 12th वाला का भी हो रहा है उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।